रास्ता जाता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर और बाइक पे जा रहे हैं, तो दुआ ये करें कि खैर और खैरियत से हम लोग वहाँ पहुँच जाए। इब्तदा रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो खालिक के कुल कायनात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद माविया सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सिद्दीकी भाई। आपका भाई जो है इस टाइम सैफ़ुल मुल्क के रास्ते पे है, जहाँ पे लोग तो यही कह रहे हैं कि बाइक जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करने जा रहे हैं। टाइम तकरीबन शाम के 4 हो रहे हैं, देखें क्या बनता है। तो बाइक की पिक तो थोड़ी बहुत ही ख़राब हुई हुई है, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, 232 किलोमीटर ये लगातार सुबह से चल रहा है। और खैरियत से जाएँ, खैरियत से आएँ। लॉजिक अपनी तरफ से हमने फुल कोशिश की है, लेकिन बाइक आधे में ही जो है वो जवाब देगा। जवाब ऐसे कि ज़्यादा ज़ोर हमने भी नहीं डाला, क्योंकि हमने आगे भी इसे 6 दिन चलाना है। तो अगर आज ही सारा ज़ोर डालते तो ये इसने फिर मैकेनिक के पास ही जाना था सीधा, कि देखिए रास्ता कैसा है, गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं। मैं कहा चलें वापस चलते हैं, जीप पर ही आ जाते हैं। बाइक वाला तो जो हमारा एक्सपीरियंस था वो नाकाम रहा, बाकी अभी जीप पे आ गए। ये लोकल जीप है, सवारी के हिसाब से यहाँ से जाती है। आप लोगों की इतला के लिए अर्ज़ है कि सवारी के हिसाब से भी यहाँ से मिलती है। अगर आप मतलब फैमिली है पूरी, तो फिर ये 4200 में जाते हैं। अगर सवारी के हिसाब से जा रहे हैं फिर 400 रुपये एक साइड पे। वापसी पे आप मर्ज़ी जिस टाइम आएँ वहाँ से भी आपको 400 रुपये सवारी में जीप मिल जाएगी। टाइम काफ़ी हो गया तो अब निकलते हैं, बस इस गाड़ी में सवारियाँ पूरी हो जाएँ फिर आगे निकलते हैं। ये होती है यहाँ की 4x4 जीप, ये पीछे सवारियाँ बैठती हैं उसमें। तो ये आगे यहाँ से पकड़ के आप बैठते हैं उसको। लोगों के जो ड्राइवर हैं से इलाके के उन्हीं की बस की बात है, बाहर के बंदे की बस की तो बात नहीं। हम लोग पहले बाइक पे आए नहीं, जब हम लोगों ने फुल ट्राई की है लेकिन नहीं आ सके। आज तक आए हैं लेकिन रास्ता इतना ख़राब था कि बिल्कुल समझे कि नामुमकिन हो रहा था। फिर जीप पे आए, जीप का रास्ता आपने देखा है कितना ख़तरनाक रास्ता है। माज भाई कह रहे हैं कि आगे जो ग्लेशियर थे सामने, वो सामने उनके पास चलते हैं। मैंने कहा तो दूर है लेकिन ट्राई कर लेते हैं अगर जा सके तो। इस टाइम से जो है माज भाई को बोल रहा हूँ कि वापस अब चलते हैं, लेकिन माज भाई कह रहे हैं झील के जो है इर्द गिर्द पूरा घूमना है एक बार। अब वो सामने से हम लोग आए हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ रास्ता आता है नीचे, अब वो उधर जाना है सामने, फिर वो उधर। अब देखें हम लोग इसमें कामयाब होते हैं नहीं। आज भी जगह बोल रहे थे कि यहाँ पे आना है।
और हम लोग वो सामने से आए थे। रास्ते को देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल, अगर यहाँ पे आके व्यू देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये यहाँ से सैफल मलूक झील के नज़ारे इस साइड से। ये आप देखें कि अभी बादल आए हैं, बादल नीचे हैं मतलब पहाड़ियों से, पहाड़ियाँ ऊंची हैं। और वो आखिरकार जी महादेव की ख्वाहिश पूरी होगी और हम लोग इस साइड पहुँच आए हैं। और ये देखें यहाँ पे उन्होंने लोगों ने बनाए हुए इस तरह की चीज़ें बना के, और ये फिर पैसे चार्ज करते हैं, मेहनत यानी कि भाई अभी बना रहे हैं इधर। तो अभी इधर ऊपर जा रहे हैं, आज भी कह रहे हैं ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आप ऊपर दिखाते हैं ऊपर क्या है। तो पानी की आवाज़ आ रही है शायद यहाँ से, पानी मेरे ख्याल में नीचे आ रहा। रास्ता जो है ये झील से ऊपर आने का, आज भी थक चुके हैं। दिल ऐसे ऐसे करता है, और वैसे कैसे कैसे करता है, थोड़ा सा रास्ता रह गया। मसला ये यहाँ से अल्लाह करे जीप मिल जाए, क्योंकि जीप जो है नीचे से 5 बजे आने बंद हो जाती है। अब वापसी पे देखते हैं मिलती ही नहीं मिलती। ये बाजार है, होटल वगैरह है, सहूलियात तकरीबन मौजूद है। विजिट करें, जगह बहुत प्यारी है। हम दो ही हैं, जीप तो मिल गई है लोकल। बहरहाल वो भाई कह रहे हैं आते हैं और बंदे 2-3 और हो जाएं फिर निकलते हैं। जीप देखें ये कि कितनी प्यारी गाड़ी है लोगों ने रखी हुई। खोल 4x4 ये है बंद है बिल्कुल जी। अल्हम्दुलिल्लाह झील से तो आ गए वापस पार्किंग में। ये जमील भाई यहाँ पे पार्किंग होते हैं, जब भी आप सफर मलूक झील जाएंगे ना, आप जो पार्किंग है ना, पार्किंग में आपको मिलेंगे। जमील भाई ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, हमारा सामान इन्होंने यहाँ पे संभाला है, बाइक की हिफाजत की है। आप लोग भी जब भी यहाँ पे हैं जमील भाई के साथ तावन भी करें, तो मतलब इनका समझ लें काम यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है बंदा कहीं बाहर जाए किसी पे एतबार नहीं कर सकता, लेकिन जमील भाई ने हमारा काफ़ी सारा सामान था बाइक के जरिए इनके पास छोड़ के गया, सामान इन्होंने सारा हमारा टेंट शेंट से और काफ़ी सामान था इनके पास पड़ा रहा है। तो आप जब भी आएँ इस पार्किंग में जमील भाई से लाजमी मिलें और इनके साथ तावन भी आप करें।